तो आज हम आपको एक इनक्यूबेटर बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आपको लगेगा ये एडोप्टर, एक फैन, एक बल्ब। बस ये चारों चीज़ों से हम आपको इनक्यूबेटर बनाना सिखाएंगे, जो कि अंडर 7700 यानी 700 रुपये के अंदर आपका ये तैयार हो जाएगा। तो ये कैसे सेटिंग करना है और इसको कैसे सेटअप करना है बॉक्स के साथ, वो हम आप आज को दिखाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, चार आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है KO, फिर K1, उसके बाद प्लस 12 वोल्ट और ग्राउंड। यानी इसमें जो ग्राउंड है इसमें आपका काला वाला वायर आएगा, और जो 12 वोल्ट है इसमें प्लस वाला वायर है, ये आएगा लाल वाला। और ये दोनों का काम अलग है, हम उसको आपको बाद में दिखाएंगे, पहले ये दोनों जोड़ लेते हैं। ये दोनों हमने जोड़ लिए। अब इस लाइट को इसमें कनेक्शन करना है, बस दो ही काम रहता है इसमें, इस लाइट को इसमें कनेक्शन करना है। इसके लिए एक चीज़ आपको बहुत समझने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दो वायर है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते, इसको ये लाइट के लिए है, मगर इस दोनों वायर को हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। इसके लिए इसको स्विच की तरह यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने एक वायर लगाना है यहाँ पे, एक वायर लगाना है हमें इस दोनों का, ठीक है, लाइट का दोनों का एक वायर इसमें हमें लगाना है। ठीक है, इसको एक वायर लगा दिया हमने, और एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे हम, लेके इसको यहाँ पे लगाएंगे। हमारा सर्किट रेडी है, ये हमारा दोनों वायर मिल गया है, इसको हम बल्ब में लगा, ये इलेक्ट्रिक में लगा देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आप कैसे दिख रही है, एक वायर इधर से आया, इधर से घूम के बाहर आया है, ठीक है, और एक वायर लाइट से आ गया, ये हो गया। इसका सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ, ये सेंसर यहाँ पे रहेगा, ये सर्किट का सेटिंग है। इस दोनों को भी इलेक्ट्रिक में डालना है और ये दोनों को भी इलेक्ट्रिक में डालना है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसका जो दो वायर निकला यहाँ से लाइट का, यहाँ से एक, ये दो वायर इलेक्ट्रिक में जाएगा, और ये जो एडाप्टर का है ये भी इलेक्ट्रिक में जाएगा हमारा। तो इसको दोनों को हम जोड़ सकते हैं एक साथ, इसको हम एक साथ जोड़ देंगे। ये दोनों को हम एक साथ जोड़ दिए। इस फैन को हम, ये जो दो वायर रहता है हमारा यहाँ पे, इस दो वायर के साथ हम फैन को जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा लूज हो गया, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फिर से एक बार। ओके, ये जो फैन है इसको हम इस एडोप्टर की, ये जो सिरा है प्लस माइनस, ये काला वाले को काला और लाल वाले को लाल, यहाँ पे आप हम लगा सकते हैं, तो ये फैन चालू हो जाएगा। फैन लगेगा बॉक्स में, बॉक्स में कैसे लगता है वो भी हम दिखाएंगे, पहले इसको हम टेस्ट करके इसका जो सेटिंग है इसको करके दिखाएंगे। तो इसको हम इलेक्ट्रिक में लगाएंगे अभी। तो हम अब इसका जो स्विच का सेटिंग है तो इसको हम दिखाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे हाथ में लेके मत कीजिए, इसको सेट करने के बाद ही कीजिए, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ 12 वोल्ट डाला है, जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो दूसरे कंट्रोलर पे है, वो हमने हाथ नहीं लगाते ये, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ 12 वोल्ट देके काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको हाथ लगा सकते हैं। होगा सेट, प्लस और माइनस, ठीक है, इस तीनों में ही हमारा पूरा काम रहेगा। तो पहले वाला हम सेट को दबाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, एक कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है, ये यहाँ पर भी रह सकता है, या फिर यहाँ 50 पे भी रह सकता है, 50 पे रहता है। तो हम सेट एक बार क्लिक किए, उसको कम करके हमको लाना है 37.7, ठीक है, यहाँ पे रखना है, यानी हमारा हो गया सेट 37.7, ठीक है।
तो ये ब्लिंक कर रहा है, एक बार फिर इसको हम दबा देंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा जो नॉर्मल अभी टेम्परेचर है वो अभी दिखा रही है। तो हमारा सेट का काम हो गया। तो ये जो सेट बटन है इसका हम फिर से क्लिक करके दबा के रखेंगे इसको। अभी दबा के रखने के बाद P0 आ रहा है, P0 को हम इस सेट को फिर एक बार दबाएंगे तो इसके अंदर का ऑप्शन देगा H और C, यहाँ पर रहेगा। P0 रहता है ना, तो P0 यहाँ पर C है, कभी H रहता है, तो इसको हम H पे रखना है P0 को, फिर हमको यहीं पे दबाना है फिर एक बार। तो P0 को हम H पे रख दिए फिर एक बार, P0 को हम H पे रख दिए फिर एक बार 0 यहाँ पे सेट को दबा दिए। यहाँ पे अभी सेट को दबाने के बाद जो P0 आ रहा है यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया तो P1 आ रहा है, ठीक है। P1 को हमें रखना है 0.7 पे, P1 को P1.7, ठीक है, 0.7 P1 हो गया 0.7। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक करेंगे सेट को, फिर आ जाएगा ये ऑप्शन P1, ये प्लस में हम क्लिक करेंगे तो P2 आ गया। P2 को रखना है, जो भी रखना है वो सही है, P2 110 है वो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सेट पे क्लिक करेंगे, फिर दबाएंगे प्लस वाला बटन, P3 आ गया, P3 आ गया माइनस 50, ये भी सही है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे P4 0 रहेगा, P4 00, फिर आ गया P5 भी रहेगा 00, P6 ऐसे रहेगा, P7 जो भी है वही रहेगा, P8 यही रहेगा, ठीक है। और फिर आ गया P0 आएगा H पे, P0 हो गया H, ठीक है। P1 से P0 तक ये फॉर्मूला है, इसको हम फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको फिर से दबा के रहेंगे, सेट वाला बटन को दबा के रहेंगे तो ये आ गया। अभी इसको हम रख देंगे, ये अभी सेट हो गया। इस ये सभी सामान 650 में लेने के लिए नीचे लिंक है, वहाँ क्लिक कीजिए। हमें करना है, करने के बाद हमें इनक्यूबेटर को लगाना है। ये जो P1 फिर से बता रहा हूँ, जो सेट वाला बटन है उसको एक बार क्लिक करने के बाद हमें 37.7 को रहना है, फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हम इससे कर लेना और एक छेद रखना है जिसमें से ऑक्सीजन आना जाना करेगा ये इधर से, और यहाँ से हम आपको यहाँ पे सेंसर डाल देंगे। तो ये इनक्यूबेटर तैयार हो गया है, ये सेटिंग करके यहाँ पे डाल देना है। 400 के अंदर आपका छोटा मोटा 50-100 जितना भी अंडा आपको चाहिए उतना का मशीन तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ये सामान सब लेने के लिए आप नीचे लिंक है वहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं। धन्यवाद।